हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर नई भर्ती निकली है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ बताने वाला हूँ। यदि आप हरियाणा में भर्ती होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आप चाहे हरियाणा के हैं, चाहे आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहीं से भी हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल हैं आप, फीमेल हैं, तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम ओपन कर लेते हैं। उससे पहले जब तक ये ओपन होता है, आप मुझे कमेंट में ये बता दो कि आपकी एज कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जब भी आपके एरिया में आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे कोई भर्ती आए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं ओपन कर लेता हूं अपने मामले को। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहेंगे कि ये जो भर्ती आई है हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर 44 पदों पे भर्ती है, जिसके अंदर 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, क्या इसके लिए सीईटी होना जरूरी है, हरियाणा का सीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है? नहीं जी, सीईटी का कोई लेना देना नहीं है इस भर्ती से, ठीक है? सीईटी का कोई चक्कर नहीं है, आपका पास हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? मेल फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो भर्ती निकली है दोस्तों, कोर्ट के अंदर निकली है, चरखी दादरी जो कोर्ट है वहां पर ये भर्ती निकली है। इसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी है और स्टेनो की वैकेंसी है, ठीक है? 44 वैकेंसी है टोटल, 44 वैकेंसी। क्लर्क की 34 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 10 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है एडहॉक बेस पे है दोस्तों, ये सरकारी नौकरी नहीं है। जब तक डिपार्टमेंट को जरूरत है, जब तक पक्की भर्ती नहीं होती, तब तक आपको रखा जाएगा और उसके बाद में आपको हटाया जा सकता है, ठीक है? तो 2 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, 2 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हो। इस भर्ती के फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, इस भर्ती के फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है? आगे चलिएगा जी। तो 44 वैकेंसी है, 25,500 रुपये सैलरी दी जाएगी पर मंथ की। एज लिमिट क्या रहेगी? 18 से 42 साल एज लिमिट रहेगी। एज में जो छूट होती है नियम अनुसार, वो छूट आपको अलग से दी जाएगी, ठीक है? एज की काउंटिंग 1 जनवरी 2024 इस डेट से काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो। तो क्लर्क की 34 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, क्लर्क के लिए 34 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनो की वैकेंसी है 10, इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस में स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए आपके पास, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो रिटन एग्जाम होगा क्लर्क के लिए, स्किल टेस्ट होगा स्टेनो के लिए, फिर डीवी, फिर मेडिकल दोस्तों, ठीक है? और अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आपको एक फॉर्म मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में 2 सितंबर को, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया वो, तो आप उस पे जाएंगे, वहां से पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है, उसको भर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, इन सभी को एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक लिफाफे के अंदर डाल देना है और उसके ऊपर बार अपना एड्रेस भी लिख देना है, उसके ऊपर आपको जहां पे ये भेजना है उसका एड्रेस भी लिख देना है और उसके ऊपर ये भी लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप स्टेनो के लिए अप्लाई कर रहे हो। और फिर आपको एड्रेस जो है वहां पर पहुंचाना है। एड्रेस क्या है? ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सरखी दादरी, हरियाणा, 12-73-06। इस एड्रेस पर आपको पहुंचा देना है। आप डाक के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, आप बाय हैंड भी पहुंचा सकते हैं। 25,500 रुपए सैलरी दी जाएगी। मेल फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। यदि आपके पास योग्यता है, यदि आपका
एज क्राइटेरिया पूरा है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर लीजिएगा दोस्तों। लास्ट डेट मैंने क्या बताई आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, लास्ट डेट क्या रहेगी, 12 सितंबर। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी भर्तियां आई हुई है, चैनल के ऊपर जाके या फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, और आगे भी बहुत सारी भर्तियां आएगी नॉलेज टीवी देसीताओ यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। आपको आगे भी सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी, और ये जानकारी आपको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, यदि आपने मुझे फॉलो करके रखा होगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, तो ये जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी। बेल के आइकन को ऑन मत करना भूलिएगा, ठीक है, ऑन मत करना भूलिएगा, तो आप ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।